सादर प्रणाम। हम दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें हम संधि को पढ़ेंगे और संधि में हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। और हम पहली बात कर चुके हैं संधि के प्रकार, संधि किसे कहते हैं और संधि के प्रकार के बारे में हम बात कर चुके हैं। मिलन किस प्रकार से होता है, छह प्रकार से वर्णों का मेल होता है। अब एक बात आपको मैं और बता दूं नॉलेज के लिए कि प्रत्येक स्वर का, अब हम स्वर संधि पढ़ेंगे, प्रत्येक स्वर का यानी कि टोटल हिंदी में 11 स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं यानी कि ए आ ई ई ओ उ री ए ऐ ओ और औ। और हम इसके साथ हम दो और पढ़ते हैं, आपको बता देता हूँ, अंग और अ। ये दोनों स्वरों में काउंट न होकर के ये होते हैं अयोगवा। इसके ऊपर हम एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाएंगे। इसको मैं बता देता हूँ, यानी कि जो ये ए है इसका इन सभी के साथ मिलान होगा, यानी कि सभी के साथ योग होगा। जो ये आ है इन सभी के साथ योग होगा, इस ई का भी इन सभी के साथ होगा, यानी कि प्रत्येक स्वर का बाकी स्वरों के साथ योग होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ए का ए के साथ ई ई का ना हो, यानी कि प्रत्येक वर्ण के साथ जो बच के स्वर उन सभी के साथ योग होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्वर संधि। स्वर संधि, जब हम पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे स्वर का स्वर के साथ मिलान हो, स्वर का स्वर के साथ योग हो, वो स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहलाती है वो। देखो मैं इसकी परिभाषा लिख करके आपको बता देता हूं। स्वर से परे, कुछ एक लोग इसको स्वर बोलते हैं, ये स्वर नहीं होता, ये होता है स्वर, यानी कि आदर्श है होता है, इसको हम थोड़ा सा बोलेंगे स्वर। स्वर से परे, स्वर आने पर, आने पर जो विकार, विकार की जगह हम लिख सकते हैं परिवर्तन, उत्पन्न हो, उत्पन्न हो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर से परे, स्वर आने पर जो विकार उत्पन्न हो, जो परिवर्तन हो, जो बदलाव हो, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दूसरा ही पॉइंट इसके साथ आता है कि स्वर संधि के भी जिस प्रकार संधि के प्रकार होते हैं, उसी प्रकार के स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, उसी प्रकार स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं स्वर संधि। और हिंदी व्याकरण के अंदर स्वर संधि के मुख्य रूप से पांच प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इसको देखा जाए तो स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी कि 5th to +2 क्लास के तक, क्लास तक की संधि में इसके 5 प्रकार बताए गए हैं, वो है दीर्घ संधि। कुछ लोग इसको कहते हैं दीर्घ, ये दीर्घ नहीं क्योंकि जो ऊपर रह ये आधा है, इसलिए इसको कहते हैं दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है आयादि संधि। ये मुख्य रूप से 5 होती है, मैं 3 और बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। एक होता है पूर्व रूप संधि, एक होता है पर रूप संधि,
हर एक होता है प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। स्वर संधि के प्रकार होते हैं मुख्य रूप से पांच होते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण के अंदर, संस्कृत व्याकरण के अंदर इसके आठ प्रकार बताए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर इन पांच प्रकारों का ही विस्तृत वर्णन किया गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि और पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि, इसको हम सिलेबस में नए होने के कारण नहीं करेंगे। हम करेंगे मुख्य रूप से स्वर संधि की पांच प्रकारों की चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। देखो पहली आती है हमारी दीर्घ संधि, पहली आती है दीर्घ संधि। दीर्घ का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों बड़ा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, हम जब स्वर पढ़ रहे थे उस समय मैं आपको बता रहा था हस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है, प्लुत स्वर क्या होता है, उस समय हमने चर्चा की थी। इसी प्रकार इस संधि की मैं आपके सामने परिभाषा लिख रहा हूं, हस्व या दीर्घ स्वर से परे, ध्यान देना हस्व या, देखो ये है ना, है के अंदर रह है, हस्व या दीर्घ स्वर से परे, हस्व या दीर्घ स्वर आने पर दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ध्यान देना हर्षु या दीर्घ स्वर से परे, हर्षु या दीर्घ स्वर आने पर दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर बन जाते हैं। इस परिभाषा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इस परिभाषा को हम नियम बना करके भी लिख सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको चार नियमों में या तीन नियमों में, हिंदी व्याकरण के अंदर इसके तीन नियम और संस्कृत व्याकरण के अंदर इसके चार नियम बनेंगे। देखो हिंदी के अकॉर्डिंग में बता देता हूँ, फिर आपको संस्कृत के अकॉर्डिंग भी बताऊंगा। इसका मतलब हुआ ऐ आ से परे यदि ऐ आ जाए, देखो ये ऐ क्या है, हर्ष्व है, आ क्या है, दीर्घ है, इधर ऐ क्या है, हर्ष्व है, इधर आ क्या है, दीर्घ है, यानी हर्षव या दीर्घ से परे, हर्षव या दीर्घ आ जाए तो ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बन जाते हैं, दीर्घ। और इन दोनों में दीर्घ कौन है, आ, इन दोनों में दीर्घ कौन है, आ। अब देखो आ है, इसके उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। पीछे हम उदाहरण लिख रहे थे विद्यालय, और हटा करके हम थोड़ा उदाहरण लिखते हैं, देखो पुस्तक धन आले। अब देखिए यहां देखिए कै के अंदर क्या है, है जब हम कै के अंदर से है हटाएंगे तो यहां बच जाएगा पुस्तक, कै कौन सा, स्वर रहित, स्वर रहित यानी कि कै बाहर निकल गया, तो यहां स्वर रहित यानी कि हलंत वाला कै बच गया। उधर क्या है आ, और आगे बचा हुआ है ले। जब ए आ से परे ए आ जाए ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, आ, क्या बन जाएंगे आ। और इधर क्या बचा हुआ है, पुस्तक, और इधर बचा हुआ है ले। मैं इसको आगे कर रहा हूं, इधर देखो जब ये हिंदी व्याकरण ये कहती है यदि स्वर बीच में आ जाए तो स्वर की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, उसका स्वर का बदला हुआ रूप, यानी कि स्वर का बदला हुआ रूप होती है मात्राएं। और मात्राएं आप अच्छे से जानते हैं,
अब देखो जब ये आ बीच में आ गया तो इसकी मात्रा लग जाएगी, और जब पै के अंदर इसकी मात्रा आएगी तो ये बन जाएगा का, तो बन जाएगा ना प्यारे विद्यार्थियों पुस्तकालय, यानी कि लाइब्रेरी। पुस्तक प्लस आगे क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। इसके और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, देखो उदाहरण और लेते हैं। ये तो है और था वाला था, देखो बचा हुआ है ये वाला, इधर बचा हुआ है ले, ये बन जाएगा विद्यालय। और इसी का बदला हुआ रूप है विद्यालय, ठीक है। ये दीर्घ संधि का पहला नियम। नेक्स्ट इसके तीन नियम और बचते हैं, वो हम कुछ ही समय के बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।